हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ईशस ना ब्लॉग। तो होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास में बैठे बैठे ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं शालिनी के साथ घूमने। हम लोग जाएंगे हसीना मार्केट कंजीपुरम, और घर पे हम लोगों ने बताया नहीं है, अभी फ़ोन करके बता देंगे। तो आज सावन सोमवार का लास्ट मंडे है, तो इधर जिस तरह के पास ये रैली निकल रही है भगवान जी। इसके काम के लिए आए हैं हम लोग। चलो अब घूमते हैं मार्केट। तो फ्रेंड्स, कंजीपुरा के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ लगा है इयर रिंग्स, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है इसलिए। ईशा को देखिए, फ्रेंड्स ईशा बोली ये कैसी लग रही है। दिला दूँ ईशा, दिला दूँ, चिंता मत, उसके बारे में मैं भी खुश। यार ऐसे दिन आए कि मैं भी यही सोच रही हूँ। कहाँ मिलेगा यार तो फेवरेट? जल्दी 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 जल्दी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अकेले घूम रही है। हाँ, और ये इंदौर पे रहती है, अभी देखना घूम जाएगी तो फिर खड़े होकर रोएगी। क्या लेना है इसको घूमने, पर घूमने मुझे भी। हाँ यार निकाल ले, चल। मुझे नहीं लग रहा, चल चल। क्या नहीं देखने तो खुद, क्या बोल रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए, बिग देख 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 देख। फ्रेंड्स देखिए, अभी जन्माष्टमी आई नहीं और कॉस्ट्यूम अभी से लग गए हैं, और भीड़ जो है ना, भीड़ का नाम ही नहीं है यार, बहुत ज़्यादा है, चलना भी मुश्किल हो रहा है। बन बोल देती, बन रही है, मैंने बोल दिया। तो फ्रेंड्स मुझे ये वाला ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या मैडम, तो 100 रुपये लग जाएगा।
फ्रेंड्स, ये जो भीड़ है ना वो रक्षाबंधन के कारण है, लेकिन वैसे तो यहाँ रहती है थोड़ी मोड़ी, पर अभी कुछ ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इसको गंजीपुरा बोलते हैं और हसीना मार्केट बोलते हैं। इसका नाम है हसीना मार्केट। बहुत कम लोग जानते हैं हसीना मार्केट से, ज़्यादातर गंजीपुरा से जानते हैं। कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, पीछे पीछे छोड़ के पता नहीं, वहाँ से लौट के आए क्योंकि ये पागल है, ये आगे तक देखने गई। अब यहाँ हम आए हैं फैब्रिक लेने। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ से लेना था फैब्रिक, तो हमने ले लिए हैं, इसने लिया है, इसको चाहिए था। इसको राखी भी लेना है, इसको राखी देखते हुए याद आया कि राखी लेना है, ऐसे कोई पक्का नहीं था। फ्रेंड्स, ईशा भी सोच रही है यहाँ पे राखी लेने के लिए। पापा लेके आए हैं, दिल्ली से लेके आए हैं, मैं भूल जाती हूँ, तो ईशा को लेकिन फिर भी भाभी वाली चाहिए। पापा और प्यारी लेके आए हैं, पर चाहिए इसको, यहाँ से भी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी ये राखी की थर्ड शॉप है। इस लड़की को है ना कुछ भी पसंद नहीं आया। दो दुकान से लौट के आ गए और एक दुकान से थी ईशा ने ही ले ली, उसको इतना पसंद आया। अब यहाँ पे ये लगे हैं। और कुछ चाहिए ईशा? ले लो कुछ, और कुछ बचा है तो ले लो। नहीं नहीं भैया, हमको नहीं पता था कि तुम इधर आओगी। फ्रेंड्स, ये स्नेहा खड़ी है, स्नेहा ने दे दिया मुझे फ़ोन। अब तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं घर, हसीना मार्केट से निकलते हुए। तो फ्रेंड्स, ये फोर्थ शॉप है हमारी, फोर्थ राखी की। बाकी हमने फैब्रिक तो अलग जगह से लिया था, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ये खड़े हैं तो। अब और घर के लिए टाइम हो रहा है हमको। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं पार्किंग में, अब जा रहे हैं वापस, और इसकी गाड़ी फंस गई है तो ये लड़ रही है। फ्रेंड्स, इसकी गाड़ी फंस गई है और ये लड़ रही है ये अंकल से। आगे नहीं है। तो फ्रेंड्स, कुछ स्लीपर, सैंडल और क्या लेना है, जूती, ये सब लेना है इसको। ये आज के लिए बैठी कि रक्षाबंधन आएगी और मैं लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्नेहा खड़ी हुई है और यहाँ शानी ले रही है सैंडल। और बारिश भी आना स्टार्ट हो गई है, 5:30 हो गए हैं, पता नहीं कब होगी इसकी शॉपिंग कंप्लीट। फ्रेंड्स, इस लड़की को अभी भी सैंडल पसंद नहीं आई और बोल रही है अभी दूसरी दुकान में चलो। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। अब इसको कुछ भी नहीं लेना है, जो भी लेना था नहीं मिला। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं शास्त्री ब्रिज। तो फ्रेंड्स, देखिए शास्त्री ब्रिज का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और 10 मिनट से फंसे हुए भी थे हम लोग। और यहाँ पे डीजे स्टार्ट है, कॉपीराइट टीम आ जाएगा, ज़्यादा सुनाओ सॉरी यार। फ्रेंड्स, मेरा तो डांस करने का मन हो रहा है। फ्रेंड्स, ईशा नाचने वाली है, नाचोगी क्या? नहीं नाचूंगी, नहीं प्रसाद नहीं, प्रसाद भंडारा हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज ये लड़की के चक्कर में पूरा मार्केट, अब इसको सब्जी भी लेना है और अभी हमको भंडारा भी मिल गया है, वहाँ पे भंडारा है तो हमने भंडारा ले लिया है क्योंकि हमारा उपास है, इसलिए हम घर लेके जा रहे हैं। अब वहाँ जा रही है सब्जी लेने, बताइए अब पहुँचते जल्दी से घर पहुँच जाए यार। अब ये लड़की पागल हो गई है आज, ऐसा लग रहा है ये लड़की पागल हो गई है ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स,
इस लड़की ने रामपुर पहुंचा दी है। फाइनली हम आदर्श नगर पहुंचे उसके वजह से यार, सच में क्या लड़की है वो। मजाक नहीं करना है, हम लोगों को उसने पूरा मार्केट घुमा दिया और हमारा कोई प्लान नहीं था मतलब वहाँ मार्केट जाने का, अचानक से लेके चली गई हो और हम लोगों ने उसने वो नहीं लेके गई, उसने पूछा चलोगे क्या, तो हमने बोला हाँ। और हम लोग भंडारा भी ले आए, भंडारा भी मिल गया हमारे नसीब में, वहाँ का भंडारा लिखा था कहाँ का, गोरखपुर, गोरखपुर से हम लोग लेके आए हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके हैं, बस आके बैठे हुए हैं, बहुत थक गए हैं आज तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि घर आते आते 6 बज गया था, बहुत थक गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बैठे रहूँ, कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा, होमवर्क भी करना है और करेंगे थोड़ी देर से, और इसने अभी बैठी हुई है, थोड़ी देर से मिलते हैं।